यार ये YBR है, 2021 मॉडल YBR है और 25,000 ले चुका है, ये देख सकते हो। अब जो है सीन ये है कि इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, एक तो ज़्यादा चलने की वजह से, और इसके अंदर कार्बन और गंदा पेट्रोल उसकी वजह से जो है ये साइलेंसर के अंदर कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से साइलेंसर जो है शोर करना शुरू हो जाता है। अब किस तरह इसका साइलेंसर अंदर से साफ़ होगा, अब इसका साइलेंसर किस तरह साफ़ होगा मैं आपको बताता हूँ, किस तरह इसका साइलेंसर साफ़ करना है अंदर से, वीडियो पूरी देखना, ये नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। और ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये सिर्फ पुरानी बाइकों के लिए, 20 मॉडल, 21 मॉडल, 22, 23, 23 तो नहीं खैर 22 मॉडल तक सही है, आप कर सकते हैं, नई बाइक को भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। लेकिन ये कि नई बाइक के साइलेंसर में जल्दी कार्बन नहीं आता, ये क्योंकि ज़्यादा चल चुका है तो इसलिए साइलेंसर में कार्बन है। तो किस तरह है? अच्छा तो ये होल देख रहे हैं आप साइलेंसर के नीचे, सबसे पहले डबल टेप की मदद से आप ना इस होल को बंद करना है, ताकि जो लिक्विड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो ये नहीं इधर से जो ना सारा बाहर आ जाए। तो सबसे पहले ये जो होल है इसको आपने बंद कर लेना अच्छे से। अच्छा अभी जो ये है ये सादा पानी आपने साइलेंसर में डालना है, नीचे से आपको मैंने बोला होल बंद करना है और बाइक आपकी बंद होनी चाहिए। तो भाई ये वो मेन चीज़ है जो साउंड को साफ़ करेगा, ये है कास्टिक सोडा है, तो ये 50 रुपये का ना। अब ये एक तो ये देख रहा हूँ पत्थर की उसमें, अभी साइलेंसर के अंदर क्या करेगा कैसे करेगा, दरअसल ये पानी के साथ रिएक्ट करके लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो इसको आपने, मैंने पहले साइलेंसर में पानी डाला, साइलेंसर को फुल पानी से भरना है, बाइक बंद होनी चाहिए और साइलेंसर के नीचे होल जो बंद होना चाहिए, उसके बाद ये आपने डालना साइलेंसर में। लेकिन ख्याल करें आप अगर ग्लव्स यूज़ करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी से रिएक्ट करने के बाद, और दूसरा है कि आपके हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, तो आप अगर ग्लव्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ये है कि आपकी बचत हो जाएगी ना। तो ये अभी साइलेंसर में डालता हूँ मैं, और उसके बाद क्या करना है वो आप बताता हूँ मैं। तो कास्टिक सोडा जो पूरा मैंने इसमें अभी खाली कर दी है साइलेंसर के अंदर ना, अब ये कि आपने थोड़ी देर छोड़ देना है कि वो पानी से रिएक्ट करेगा और अपने साथ जितने भी गंद वगैरह होगा, कार्बन वगैरह होगा, सब अपने साथ ले जाएगा ना। तो आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही साइलेंसर को छोड़ देना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्या करना है। बस बाइक स्टार्ट करना है जिस तरह जैसे था वैसे ही छोड़ना है और बाइक स्टार्ट करना है। मैंने आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाया, आपने देखा कि पानी के साथ ब्राउन ब्राउन जो था वो सारा कार्बन बाहर आ गया। अभी जो नीचे आपने होल बंद किया था, आराम से ख्याल से ये होल खोल देना है, क्योंकि वो बहुत गर्म कर दिया, आप देख लें इतना भी कार्बन था सब बाहर आ गया। ये आप देख लें सारा कार्बन साइलेंसर के अंदर, ये ब्लैक ब्लैक देख लें आप। मैं आपको उसका साउंड चेक कराऊंगा, पहले इसका साउंड सुना है आपने।